सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने साथ हुए हादसे के बाद आईपीएल की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन उनका इस तरह से वापस प्रैक्टिस पे लौटना उनके लिए घातक हो सकता है। बीती 25 मार्च को मोहम्मद शमी का देहरादून से दिल्ली आते वक्त ट्रक से टक्कर की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ पर पत्नी के विवाद के मामले में बीसीसीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद आईपीएल की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, लेकिन तभी ये हादसा हो गया। हादसे में उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई थी। इतना ही नहीं, उनके सिर पर 10 टांके भी आए थे। उस वक्त डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी चोट हालांकि अंदरूनी नहीं है, लेकिन जख्म गहरे होने की वजह से भरने में समय लगेगा। ज्यादा प्रेशर होने पर टांके खुलने का भी खतरा रहता है, इस वजह से उनको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। आईपीएल के मैच 7 अप्रैल से 27 मई तक चलेंगे। ऐसे में अभी शमी का पूरी तरह से ठीक न होने के कारण उनका यूं प्रैक्टिस करना उनके लिए घातक हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वो अपने सभी गमों को भुलाने के लिए इस तरह प्रैक्टिस पे उतर आए हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।